प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल से उत्तर प्रदेश में हैं। पिछले 17 दिनों में वो दूसरी बार वाराणसी पहुंचे, लेकिन लोकसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वहां पर 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आज वो आजमगढ़ जाएंगे, जहां से यूपी समेत पूरे देश को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 42,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री आज आजमगढ़ से देने वाले हैं पूरे देश को। 9,800 करोड़ रुपए के 15 हवाई अड्डे की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ की धरती से करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ का उनका ये चौथा दौरा है, तो समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र वहां पर रहा है। हालांकि अभी आजमगढ़ से सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और आज बड़ी सौगात केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को देंगे। आज आजमगढ़ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां से यूपी समेत पूरे देश को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी। अगर हम इसकी बात करें आंकड़ों में, तो 42,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है आजमगढ़ की धरती से पूरे देश को। 9,800 करोड़ रुपए के 15 हवाई अड्डे की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो 42,000 करोड़ में से 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं केवल उत्तर प्रदेश के लिए हैं। तो मिशन उत्तर प्रदेश के जरिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी देश को साधने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, वो हम पूरी तस्वीर आपको दिखा और समझा देते हैं कि किस तरीके से देश सधेगा। देखिए, मिशन उत्तर प्रदेश है, लखनऊ रांची लाइट हाउस परियोजना का उद्घाटन आज करेंगे। 4 लेन की लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज दे रहे हैं प्रधानमंत्री। NH2 के चकेरी से इलाहाबाद खंड को 6 लेन में अपग्रेड किया जाएगा और रामपुर रुद्रपुर के पश्चिमी हिस्से की 4 लेन की आधारशिला रखी जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है NH2 का, ये लंबे समय से चल रहा था, तो इसका अपग्रेडेशन होगा। तो ये प्रधानमंत्री का मिशन यूपी है, जिसके जरिए साधने की कोशिश होगी। देखिए, 6 लेन का कानपुर रिंग रोड जो है उसकी सौगात मिल रही है। 4 लेन का रायबरेली प्रयागराज खंड, इसकी जरूरत लंबे समय से थी, मांग की जा रही थी। 744 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे और इसके अलावा 8200 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। तो ये किस तरीके से देश सधेगा। इसके अलावा भटनी पियोकोल बाईपास लाइन का गिफ्ट देंगे। गाजीपुर शहर और घाट से तारी घाट तक नई रेल लाइन जो है उसकी सौगात दी जाएगी। प्रयागराज जौनपुर इटावा सीवेज उपचार संयंत्रों का उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना के तहत जो पहली किस्त है वो जारी की जाएगी। तो यानी कि यूपी से पूरे देश को साधने के लिए प्रधानमंत्री आज निकले हैं और आजमगढ़ से ये सारी सौगातें दी जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और क्या क्या सौगातें वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, आजमगढ़ को 626 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। चकेरी इलाहाबाद खंड में 6 लेन की योजना है। आजमगढ़ को नए विश्वविद्यालय की सौगात मिलेगी। इसके अलावा 3700 करोड़ की पीएम ग्राम सड़क योजना की सौगात भी मिलने जा रही है। 19,000 करोड़ के रेल सड़क आवास प्रोजेक्ट हैं और इसके साथ ही साथ 8200 करोड़ की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। लखनऊ रिंग रोड के लिए 3 पैकेज हैं। इसके अलावा प्रयागराज जौनपुर इटावा में सीवेज प्लांट को लेकर भी प्रोजेक्ट है, जो प्रधानमंत्री तोहफे के तौर पर आज देने वाले हैं। तो ये सारी जो योजनाएं और परियोजनाएं हैं, इसकी सौगात मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, जिस तरीके से सौगातों का पिटारा आज खुलेगा 42,000 करोड़ का, इसका इंपैक्ट यूपी के साथ पूरे देश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे देश को साधने की कोशिश आज पीएम की। देखिए, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पहुंचे हैं और पूर्वांचल का नाम यह स्थल है आजमगढ़। और आजमगढ़ में वो हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके जरिए 2024 के चुनाव को अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसे भी साधने की कोशिश करेंगे। न केवल पूर्वांचल की सीटों को, यानी पूर्वांचल में 19 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी और देश उनके सहयोगियों ने जीता था, 26 सीटें 21 जिले, और साथ ही साथ इसका असर न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पड़ता है बल्कि हम कह सकते हैं पूरा भोजपुर, यानी बिहार के वो सीमावर्ती जिले, जिसका असर पड़ेगा प्रधानमंत्री के इस लोकार्पण और शिलान्यास का। पूरे देश में यहाँ से लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ गरजेंगे और अपनी बातों को रखेंगे तो 24 के चुनाव का रंग भी गढ़ा होता जाएगा। और ये धरती है आजमगढ़ की, ऐतिहासिक धरती।
धरती है और राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग धरती है। यहाँ पर आकर जब प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखेंगे तो उसे न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे यूपी और बिहार से सटे हुए जिलों पर भी इसका असर देखा जाएगा। और रही बात सौगातों की, तो प्रधानमंत्री ने क्या क्या यहाँ देंगे उसे आंकड़ों में आपने बताया, लेकिन इन देने के पीछे के मायने क्या है? क्योंकि 24 का चुनाव आ चुका है, राजनीतिक चैनल है और राजनीतिक तौर से इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा, बड़ा इंपैक्ट होगा। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।